हाय फ्रेंड्स, तो सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। ऐसे में हमें कुछ हेल्दी खाने की याद आती है और हेल्दी खाने के बाद हमें कुछ मीठा भी खाना होता है। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए प्रोटीन, स्वाद और सेहत से भरपूर बिना गैस जलाए इस मिठाई को बनाने वाले हैं, जो बिल्कुल शुगर फ्री है, कोई भी खा सकता है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो नहीं पसंद आती है तो इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो हमने इधर मूंगफली ले ली है रोस्ट किए हुए, तो आधा कटोरी मूंगफली ली है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो। ये लिए हमें पके हुए खजूर, ये मार्केट में ईजिली मिल जाते हैं। अगर ये नहीं है तो आप जो सादा खजूर आते हैं वो भी ले सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, जिसमें सीड्स नहीं आते हैं जिस खजूर में, वो भी ले सकते हैं। तो इन खजूर के हम सभी सीड्स निकाल लेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में इस खजूर को काट देंगे। और अब लेंगे मिक्सी का जार, तो इसमें ऐड करेंगे मूंगफली, तो इसका एक पाउडर बना लेंगे। तो ये मूंगफली का पाउडर बन चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे खजूर जो छोटे छोटे कट करके हमने रखे थे, उन सभी खजूर को ऐड कर देंगे। कुछ बड़े भी टुकड़े थे तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं करना, आप छोटे छोटे टुकड़ों में करना, इसे पीसने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो खजूर और मूंगफली को हमने अच्छे से पीस लिया है, अब इसे साइड में रख देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। अभी इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है, इसे साइड में रखेंगे और गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पे हमने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें 2 चम्मच हमने तेल ऐड कर दिए। तो लो फ्लेम पे इस तेल को हम भून लेंगे जब तक ये चटकने ना लगे। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, बस इतने ही हमें भूनने हैं। अब इसे साइड में रख देंगे। अब लेंगे हम मूंगफली और खजूर को पीस के रखा था, तो थोड़ा डो टाइट है इसका। थोड़ा थोड़ा इसमें दूध ऐड करते हुए इसका सॉफ्ट डो लगा लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा, बिल्कुल भी फटना नहीं चाहिए, इस तरह से हो जाएगा। तो कुछ भी इसमें मिलाना नहीं है। अब इस तरह से इसका एक रोल बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं मिलाया है। तो मूंगफली में पहले से ही ऑयल होता है, तो ऑयल रिलीज हो गया है, तो हमें इसमें ऑयल नहीं मिलाना होता है, ना ही इसमें मलाई मिलानी होती है। बस रूम टेम्परेचर पे हमें दूध चाहिए, वही मिला देंगे, बस डो बन के तैयार हो जाएगा। अब जो तेल हमने भून के रखे थे, इस तरह से तेल फैला लेंगे और दोनों रोल को इस तरह से रोल कर देंगे जो अच्छे से तेल चिपक जाएंगे। तो ये देखिए अच्छे से तिल चिपक गए हैं। अब लिया है हमने स्पैचुला, आपके पास कुछ भी है, पेन है या पेंसिल है, इस तरह से बीच में दबाते हुए इसमें एक जगह बना लेंगे। तो दोनों रोल में हमें इसी तरह से जगह बनानी है और थोड़ा सा उंगली से इसे दबा के अच्छे से प्रेस कर देंगे, जिससे ये जगह थोड़ी बड़ी हो जाए, अभी छोटी है इसलिए। तो इस तरह से हमने दोनों रोल में जगह बना के तैयार कर लिए, कुछ इस तरह से हो जाएंगे हमारे रोल। तो अब रोल को रखेंगे साइड में। अब एक कटोरी या बाउल लेंगे, उसमें 1 चम्मच हमें लेना है बटर। तो फ्रेंड्स ये अमूल बटर है, तो इसे हमने मेल्ट कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 चम्मच मिल्क पाउडर। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास वाइट चॉकलेट है उसे ले सकते हैं, हमारे पास वाइट चॉकलेट नहीं थी इसलिए हमने मिल्क पाउडर लिया है। तो इसे मिलाते हुए थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते हुए इसका गोल बना लेंगे, जिससे इसमें एक भी लम्स नहीं रहने चाहिए, इसी तरह से हमें इसका गोल बनाना है। तो चॉकलेट सभी के पास नहीं होती है इसलिए हमने इसे मिल्क पाउडर से बनाया है, मिल्क पाउडर ईजिली मिल जाता है। अब ये मिल्क पाउडर का घोल बनाया है, इस तरह से हम रोल में ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से हमें दोनों रोल में ऐड कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों रोल में ऐड कर दिया है। और अब लेंगे हम 10 रुपए वाली डेयरी मिल्क की चॉकलेट, जिसे हमने पानी में पहले से ही गर्म पानी में इसमें डाल दिया था, जिससे ये चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। अब थोड़ा सा इसका कोना कट करेंगे, हल्का सा कट करना है, छोटा सा, और इस तरह से इसमें लाइनें बना देंगे पूरे रोल में। तो दोनों रोल में हमें लाइनें बनाना है इस तरह से, ये देखिए फ्रेंड्स। तो थोड़ा पास पास में बनाएंगे तो इसकी डिज़ाइन थोड़ी पास में हो जाएगी, अगर दूर बनाएंगे तो दूर दूर डिज़ाइन बनेगी। तो इस तरह से हमें सभी रोल में, तो दोनों रोल में हमने डिज़ाइन इसी तरह से बना के तैयार कर लिए, ये देखिए फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, इसी चॉकलेट के पैक से हम इस तरह से इसका कोना लेंगे और आगे को खींच देंगे, ये डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर इससे नहीं बनाना चाहते हैं तो आप टूथपिक से भी बना सकते हैं। तो ये डिज़ाइन बन के तैयार हो गई है, अब इसे रख देंगे फ्रिज में। तो फ्रेंड्स आप पहले से ही प्लेट में रख के बनाना, हमने इसे चकले पर बनाया तो फ्रिज में ये चकला नहीं रख सकते हैं। तो फ्रिज में हमने रख दिया था इसे 2 घंटे के लिए, तो ये सेट हो चुका है, ये देखिए फ्रेंड्स। तो अब इसे कर लेंगे कट, तो बाहर भी ये सेट हो सकता है,
तो हमने फ्रिज में रखा था, तो फ्रिज में जल्दी सेट हो जाता है। तो अब इसे हमने इस तरह से कट कर लेना, आप अपने हिसाब से बड़े या छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बनी थी, एक बार इस तरह से मिठाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो सभी को हमने कट कर लिया है और इसे ऐड कर दिया है एक प्लेट में, ये देखिए बहुत ही टेस्टी लगी थी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते रहेंगे ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए।